चारों तरफ सेल का माहौल है, हर चीज सस्ती होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट ने झांसा ही ऐसा दिया है लोगों को जिससे उनको लगता है कि हर चीज सस्ती मिल रही है। वास्तव में आपने कुछ टाइम पहले कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजें खरीदी थी, फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप खरीदा था 2 साल पहले ही, आज वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनका अपना पुराना लैपटॉप है, या वो पुराना लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं, या जिनके पास अपना पुराना लैपटॉप है वो स्लो हो चुका है, उस कारण से परेशान होकर वो नया लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं। आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अब आप नया लैपटॉप परचेज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उससे कई गुनी कम कीमत में भी आप उस अपने पुराने लैपटॉप को इतना फास्ट कर सकते हैं कि आपको नए लैपटॉप की कम से कम 5 साल और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कैसे करेंगे वो सब और कैसे होगा ये सारा काम, आइए समझते हैं और देखते हैं। इसके लिए किसी स्पेशल टाइप के मैकेनिक की या रिपेयर करने के लिए किसी शॉप की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे अगर इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो घर बैठे ही अपने लैपटॉप को फास्टेस्ट बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो सब, चलिए देखते हैं। आप एक बहुत ही ज्ञानवान, विचारवान और क्रियाशील आदमी हैं। आप जब अपने कंप्यूटर की तरफ झांक के देखते हैं, जब उसको ऑन करते हैं तो ऑन होने में ही वो 5 से 10 मिनट ले लेता है, और ऑन होने के बाद भी वो इसी तरह से रिंग रिंग के चलता है। अब सारी समस्या यही है कि जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो ये सोचने में लग जाते हैं कि ये ऑन कैसे होगा, इसकी स्पीड कैसे बढ़ा पाएं, और हमारी सारी क्रियाशीलता को वाट लग जाती है। तो क्या इसको तेज किया जा सकता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा जिससे ये क्लियर हो जाए कि इस पुराने गधे को घोड़ा कैसे बनाया जाए, और इसके लिए कोई ज्यादा सा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप क्रियाशील तो हैं ही, तो ये सारा काम आप घर बैठे कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बगैर स्टेप मिस किए देखना है, और जो मैं बताते जा रहा हूँ उन सब चीजों को नोट कर लें और साथ की साथ इस काम को करते चलें। आपका लैपटॉप लास्ट में अगर दौड़े, खूब तेज स्पीड बन जाए तो नीचे कमेंट्स भी कर दें आपको अच्छा लगे तो, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, बोल देना कि अच्छा नहीं लगा, जो काम आपने बताया था वो नहीं हुआ। तो चलिए अब काम की बात शुरू करते हैं। देखिए, लैपटॉप या कंप्यूटर एक मशीन है, उसके अलग अलग पार्ट हैं। आप तेज दौड़ पा रहे हैं क्योंकि आपके पैर तेज दौड़ेंगे, आपके दिमाग में सुस्ती है तो फिर भी चल जाएगा, परंतु अगर आपके पैर ही नहीं चल पाएंगे तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपका दिमाग कितना ही चुस्त हो, आप कितने ही जोशीले क्यों ना हो, आप नहीं दौड़ पाएंगे। तो इसको दौड़ाने के लिए भी पैरों की आवश्यकता है। यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर के पैर हैं, दिमाग है, वो अलग अलग पुर्जे होते हैं, या सीधे शब्दों में मैं यहाँ पे कहूँ कि आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है, आपका जो पीसी है, उसकी जो स्पीड है, वो 3 बातों के ऊपर मुख्यतया निर्भर करती है। पहला है उसका प्रोसेसर। प्रोसेसर की बात ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि प्रोसेसर तो जो आपने एक बार ले लिया या लैपटॉप के अंदर जो आ गया, उसको बदलना बड़ा मुश्किल बात है, तो हम उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट है यहाँ पे रैम। रैम के स्लोट अलग अलग हो सकते हैं, 2 या 3 स्लोट 4 स्लोट कई बार आपको मिल जाते हैं। अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ एक ही स्लोट के अंदर रैम है तो आप उसके अंदर एक्स्ट्रा रैम डाल सकते हैं, परंतु मैं रैम की भी यहाँ पे बात नहीं करूँगा क्योंकि उतनी ही रैम डालने के बाद भी अगर वही स्पीड नहीं मिल पाई तो फिर आप मुझे गालियाँ दोगे कि आपने बताया था कि रैम बदल लो, रैम बदलने से स्पीड बढ़ जाएगी। मैं एक और उससे सीधा और सबसे आसान सोल्यूशन आपको बताता हूँ, वो ये है कि आप अपने जो लैपटॉप है या पीसी है उसका जो तीसरा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है स्पीड का, वो है उसकी हार्ड डिस्क। आप एक्चुअल में सारी समस्याओं की जड़ जो है वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क एक मूविंग पार्ट है, वो स्लो होती है, तेज नहीं चलती, तो इसी वजह से आपके कंप्यूटर की स्पीड नहीं बन पाती क्योंकि उसी से सारा काम चलना होता है। अब आप यहाँ पे प्रश्न पूछोगे कि फिर क्या करें, हार्ड डिस्क को हटा के क्या लगाएं? तो यहाँ पे मैं एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। आपको आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हटा देनी है और वहां पे SSD लगानी है।
अब ये SSD क्या है? SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते। मूविंग पार्ट नहीं होंगे तो वहाँ पे मैकेनिकल कोई भी काम नहीं होगा, लिमिटेशंस नहीं होंगी। जैसा आपके फोन का मेमोरी कार्ड में से आप जब ट्रांसफर करते हैं फोटोज या वीडियोस को तो वो बड़ी जल्दी जल्दी करता है, उसी टाइप की ये भी एक हार्ड डिस्क है। यूं मान लीजिए कि कई सारे मेमोरी कार्ड इकट्ठे करके इसको बनाया गया है। अब ये आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की जगह पे लग जाएगी और हार्ड डिस्क की जगह पे लग के आपके कंप्यूटर की स्पीड को कई गुना बढ़ा देगी। अब बात करोगे कितने गुना बढ़ा देगी, तो आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, आप कॉपी पेस्ट करते हैं, तो 2 से 3 MBPS की स्पीड मिल पाती है। एक आध कोई घसीट घसीट के उसको 20-25 MBPS 15-20 MBPS तक ले भी जाता है, परंतु फिर भी उससे ज़्यादा नहीं मिल पाती। ऐसी ही दुर्घटना कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी होती है। जब आपका कंप्यूटर बूट होता है तो आपकी हार्ड डिस्क से फाइल आपकी रैम के अंदर जाती हैं, जिसकी वजह से वो सारा कंप्यूटर रन करना शुरू करता है। अब उसको ट्रांसफर रेट में क्योंकि कम है, इस वजह से वो वहाँ पहुँचने में टाइम लेती हैं, इसी वजह से आपके कंप्यूटर को बूट होने में, फाइल्स को रीड राइट करने में टाइम लगता है, इसी वजह से ये सारा का सारा झमेला खड़ा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क को हटा के उसकी जगह पे एक SSD लगा देंगे। अब आप कहेंगे कि ये प्रक्रिया तो बड़ी मुश्किल है, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आसान तरीका है। मैं इस वीडियो में एक एक स्टेप में आपको वो तरीका बताने वाला हूँ, तो देख लीजिए कैसे करते हैं वो सारी चीजें।
यहाँ पे आपने देखा कि लैपटॉप के अंदर कुछ माइनर से चेंजेस हमने किए हैं। अब आपको आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज को इंस्टॉल करना है, तो वो आप जैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं उस तरीके से सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। परंतु आप नई विंडो इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आप अपने पुराने जितने भी प्रोग्राम हैं उनको खोना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपकी सेटिंग्स हैज इट इज रहें, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अब था बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए, तो उसके लिए भी एक आसान सा तरीका है। उसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा जिससे आप अपनी पुरानी विंडोज को इस नई SSD के ऊपर ट्रांसफर कर पाएंगे और आपका कोई भी प्रोग्राम इधर से उधर नहीं होगा, वो बिल्कुल एज इट इज आपको मिलेगी जैसे आपके पुराने लैपटॉप में है। अगर उस तरीके से आपको करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर उसको मैं शामिल करता तो लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती। जरूरी नहीं है हर बार आप कैडी लगाएं, आप चाहें तो हार्ड डिस्क, मेन जो हार्ड डिस्क है उसको हटा के भी उसकी जगह पे SSD लगा सकते हैं, परंतु उससे कुछ मेमोरी कम हो जाती है क्योंकि आपकी बड़ी सी हार्ड डिस्क वो बाहर निकल जाएगी, SSD हम स्मॉल खरीद रहे हैं, तो उस वजह से आपका थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी बनाए रखना जरूरी है ना, क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि 1 TB की हार्ड डिस्क थी, हाय वो निकल गई, अब उसकी जगह पे 128 GB की लगाई। मैंने आपको दिखाया 128 GB की, 128 GB की सफिशियंट है, आप वो यूज करेंगे दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि उसी के अंदर हम अपना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आप वो परचेज कर लें। लिंक जो भी चीजें हैं आपके जो कैडी है उसके लिए, SSD के लिए आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अब उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए आप जो लैपटॉप पहले जो 1 घंटे में, मैंने खुद उसको ऑब्जर्व किया क्योंकि टाइमिंग मैंने उस टाइम पे नहीं चला पाया था, बट करीब करीब उसको पूरी तरह से स्टार्ट होने में पूरी फंक्शनैलिटी के लिए 1 घंटे के आसपास उसको लगा था, फिर ऑन करके घूम लो फिर लो चाय पी लो सारे काम हो गए थे। बट अब वही लैपटॉप आप खुद देख सकते हैं मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं ले रहा है ऑन होने में, तो इतना फास्ट हमने इसको कर दिया है। जब आप यूज करके देखेंगे तो वहां पे इंटरनेट ब्राउजिंग के अंदर और जितने भी काम है आपके जो विंडोज की फंक्शनैलिटी, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने में क्लोज करने में, वो सारी चीजें वहां पे हो रही हैं। इसके अलावा भी आप और भी चाहते हैं इसको बूस्ट करना, या आप वीडियो एडिटिंग के लिए चाहते हैं, गेमिंग के लिए चाहते हैं, या आपको आपका पुराना लैपटॉप है उसके अंदर आप कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आप नीचे कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो वहां पे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपके आपके जो पर्सनल लैपटॉप है उसके अंदर आपको किस टाइप का चेंज करना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। ज्यादा खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं है, मुश्किल से 2000 मैक्सिमम 3000 रुपीज में आप, क्योंकि अब सेल आ रही है तो सेल में लैपटॉप परचेज करने की बजाय ये परचेज कीजिए, 10% लेस में मिलेगा और 5 साल बाद टेक्नोलॉजीज वैसे भी चेंज होनी है, तब इस आप पुराने लैपटॉप को उठा के फेंक भी देंगे तो भी आपको दुख नहीं होगा। तो झांसे में मत आइए, बी एक्टिव, आप समझदार हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप गुणवान हैं, उन सभी चीजों का आप उपयोग कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने किसी पुराने मित्र के पास जिसके पास लैपटॉप भी ऐसा ही हो, पुराना सा लैपटॉप हो, तो उसके पास ये वीडियो जरूर भेज दें ताकि कम से कम उसके इस चीज को देख के वो अपने लैपटॉप की स्पीड को बढ़ा पाए। तो लाइक शेयर करने के बाद अगर आपको लगे कि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन और भी लगातार मिलती रहे, मैं आपको ये सारी बातें बताता रहूं और आप तक पहुंचती रहें, तो उसके लिए जो रेड बटन है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दें, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेंगे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। तो यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।